नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरी। कश्मीर की एक बेटी ने 30 साल पहले जिस आतंकवाद की क्रूरता को झेला था उसकी कहानी पूरी दुनिया को बताई है। अमेरिकी कांग्रेस में मानवाधिकार पर सुनवाई के दौरान भारतीय लेखक सुनंदा वशिष्ठ ने कश्मीर में आतंक और क्रूरता का एक एक लम्हा बयां किया है। अमेरिकी कांग्रेस में कश्मीर मुद्दे पर चल रही सुनवाई में भारत की कॉलमनिस्ट सुनंदा वशिष्ठ ने अपने भाषण में भारत की कश्मीर नीति को खोलकर रख दिया। सुनंदा ने बताया कि उन्होंने 30 साल पहले कश्मीर में आईएस जैसी क्रूरता और भय का माहौल देखा है। My father is a Kashmiri Hindu, my mother is a Kashmiri Hindu, I am a Kashmiri Hindu, and our home and lives in Kashmir were destroyed by radical Islamic terrorism. सुनंदा वशिष्ठ ने कश्मीर में 1990 में हिंदू कश्मीरियों के साथ दहशत के बारे में बताया। My father is a Kashmiri Hindu, my mother is a Kashmiri Hindu, I am a Kashmiri Hindu, and our home and lives in Kashmir were destroyed by radical Islamic terrorism. I am also the voice of young Kashmiri Hindu engineer who was hunted by terrorists, again for his faith. When terrorists came to kill him, he hid inside a rice container in his attic, and he would have been alive today. Had his location not been disclosed to the terrorists by his neighbors he trusted. सुनंदा वशिष्ठ ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद मानवाधिकार की बात करने वालों पर तंज कसा और कहा कि मानवता के रक्षक तब कहां थे जब मेरे अधिकार छीने जा रहे थे। Where were the advocates of human rights when my rights were taken away? Where were they on the night of 19th January 1990? When there were voices blaring from all mosques in Kashmir that they wanted Kashmir with Hindu women but without Hindu men. और दिल्ली में आज ऑडिबन का आखिरी दिन है। फिलहाल ऑडिबन बढ़ाया नहीं गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगले दो दिन तक प्रदूषण का हाल देखने के बाद ऑडिबन पर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में फिलहाल ऑड इवन नहीं बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में ऑड इवन स्कीम बढ़ानी है या नहीं, इस पर अंतिम फैसला सोमवार को लिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि ऑड इवन का मकसद स्थानीय वजहों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है, जिसमें गाड़ियों का भी अहम रोल है। सीएम के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी वजह अब भी पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही पराली है। हालांकि हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में थोड़ी कमी आई है, लेकिन पंजाब में अब भी ये संख्या ज्यादा है। अभी भी हम लोग नजर बनाए हुए हैं कल और परसों का, और हम देखेंगे अगर हवा में सुधार होता है तो फिर ऑड इवन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज सोमवार को फिर सुबह सुबह हम लोग इस पे निर्णय लेके और तुरंत इसको इम्प्लीमेंट करने की सोचेंगे। तो फाइनल निर्णय जो है वो हम सोमवार को सुबह लेंगे। मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिन में हवाएं चलने से दिल्ली में प्रदूषण कम हो सकता है। दूसरी तरफ दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बुलाई गई शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति की बैठक में कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा। यहां तक कि तीनों एमसीडी कमिश्नरों में से कोई भी नहीं पहुंचा। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के कई कारण हैं। दिल्ली की प्रदूषण केवल दिल्ली शहर की प्रदूषण समस्या नहीं है, ये एक वेदर शेड है, एयर शेड है। 1990 से दिल्ली की आबोहवा बिगड़ रही है। ये विषय सबने मिलकर काम करने का है, सबने सहयोग से काम करना है। दिल्ली आज भी जहरीली धुंध की चपेट में है। दिल्ली में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 458 दर्ज किया गया। वहीं नोएडा में प्रदूषण का स्तर 583 पहुंच चुका है, जबकि गुरुग्राम में स्थिति और भी बदतर है, 548। ऐसे में स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भी प्रदूषण की वजह से लोगों को जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ रही है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 458 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 548 पहुंच गया, जबकि नोएडा में हालात सबसे खराब हैं। नोएडा में प्रदूषण का स्तर 583 पहुंच गया है। दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत से हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए कि किस तरह से धुंध पूरी की पूरी दिल्ली पर छाई हुई है। धूप निकल चुकी है, सूरज चमक रहा है, लेकिन उसके बावजूद धुंध हटने का नाम नहीं ले रही है। इस भारी प्रदूषण के चलते राजधानी में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में भी दिक्कत होती है अगर आप बिना मास्क के निकले तो मुझे लगता है ये बहुत ही सीरियस इशू है, इस पर ध्यान देना चाहिए जल्द से जल्द। हर रोज जब भी हम बाहर निकलते हैं आंखों में जलन सी होती है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है।
दिक्कत हो रही है, होटल में भी रुके हुए वहाँ भी दिक्कत हो रही है। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली NCR के स्कूल आज भी बंद है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिनों में तेज हवाएं चलेंगी, जिससे दिल्ली के प्रदूषण में कमी आ सकती है। इधर महाराष्ट्र में शिवसेना, NCP और कांग्रेस की साझा सरकार बनाने की जो कोशिशें हैं वो और तेज हो गई हैं। शिवसेना, कांग्रेस और NCP के नेता कल राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। शरद पवार ने कहा है कि साझा सरकार में धर्मनिरपेक्षता प्रमुख मुद्दा रहेगा और सरकार पूरे 5 साल चलेगी। NCP प्रमुख शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार चलाते वक्त धर्मनिरपेक्षता प्रमुख मुद्दा होगा। पवार ने साफ किया कि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे और नई सरकार पूरे 5 साल चलेगी। वहीं संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा और सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चलेगी। NCP नेता नवाब मलिक ने राउत के बयान पर मुहर लगाते हुए कहा कि CM शिवसेना का ही होगा, क्योंकि वो इसी मुद्दे पर BJP से अलग हुई है। ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी या NCP हमेशा सिक्योरिज्म की बात करते हैं, मगर जब सरकार चलाना हो तब हम सिक्योरिज्म के बारे में इंसिस्ट करने वाले लोग हैं। हम तो चाहते हैं आने वाले 25 साल में शिवसेना का CM रहे, अब 5 साल की बात भी करते, लेकिन हम बार बार ये नहीं कहेंगे कि मैं वापस आऊंगा। हारे हुए जनरल की तरह अपनी फौज का उत्साह बढ़ाने का काम देवेंद्र जी कर रहे हैं। तोड़ जोड़ से विधायक तोड़ने से कोई मामला होगा तो हमें लगता है कि विधायक अब कोई टूटेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, ये BJP को समझना पड़ेगा। वहीं महाराष्ट्र BJP के नेता आशीष शेलार ने कहा कि ये दल अपने अपने फायदे के लिए गठबंधन कर रहे हैं। शेलार ने ये भी कहा कि PM मोदी और अमित शाह को समझने के लिए कई जन्म लेने होंगे। 3 पार्टियों का ड्रामा महाराष्ट्र और देश देख रहा है, ये महाराष्ट्र को मंजूर नहीं। आज दिखाई पड़ रहा है कि मातोश्री से लोग सभी 5-स्टार होटल की बारी और उसका टूर कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश के बुमला क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने बॉर्डर लाइन पर जवानों से मुलाकात की, साथ ही चीन बॉर्डर पर सुरक्षा का जायजा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चीन बॉर्डर की सुरक्षा की समीक्षा करने अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। उन्होंने सीमा रेखा पर जवानों से मुलाकात की। यहां पर रक्षा मंत्री ने जवानों के साथ तस्वीरें खिंचवाई और भारत माता की जय के नारे लगाए। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत चीन सीमा पर हमारे जवान और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बहुत सूझबूझ के साथ काम ले रही है। LAC पर कोई तनाव नहीं है। इस समय मैं भारत चीन सीमा के फॉरवर्ड पोस्ट बुमला पर हूँ और यहाँ के जवानों के साथ मुझे मिलने का और उनसे बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। किसी प्रकार का कोई टेंशन इस सीमा पर यानी LAC पर नहीं है। राजनाथ सिंह 2 दिनों के अरुणाचल दौरे पर हैं। आज वो शहीद जसवंत युद्ध स्मारक गए। रक्षा मंत्री बुमला क्षेत्र में बने एक पुल का भी उद्घाटन करेंगे। अब बात देश के पहाड़ी राज्यों की। मौसम में आए बदलाव की वजह से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की आशंका है। प्रशासन ने लोगों को सावधान रहने को कहा। मौसम विभाग ने हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की चेतावनी दी है। आज और कल के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। दोनों ही राज्यों में पहले ही बर्फबारी हो चुकी है। कुल्लू और लाहौल स्पीति में भी भारी बर्फबारी। BRO ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास फंसे 14 लोगों को बचाया। बचे हुए लोगों ने रेस्क्यू के बाद राहत की सांस ली। ये लोग भारी बर्फबारी के बीच फंस गए थे। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और लाहौल स्पीति में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। दूर दूर तक पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके नजर आ रहे हैं। यहां भी कई गाड़ियां फंस गई। जम्मू कश्मीर के भी कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। श्रीनगर में बर्फबारी की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में अभी और बर्फबारी होगी।